हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वर्षा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आने वाली है दिवाली और हम करने वाले हैं कुछ घर वगैरह क्लीन। तो मैं स्टार्ट करूँगी आज अपने वार्ड्रोब नहीं कहेंगे, बुकशेल्फ कहेंगे। तो बुकशेल्फ में मैंने कुछ अपने काम की चीज़ें रखी हैं उसमें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग, और हमारी डीप क्लीन भी हो जाएगी। पूरा जो भी पूरा मेस वगैरह फैला है वो अच्छा भी हो जाएगा, और दिवाली की भी सफाई हो जाएगी। तो फिर चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बुक सेल्फ, और मैंने इसमें अपना ऊपर में पूरा बेडशीट वगैरह और पिलोज वगैरह रखी है। कुशन कवर्स जितने भी है मैंने इसमें रखा है, और इसमें टोटल मेरे बैंगल्स कलेक्शन है। टोटल इसमें सिर्फ बैंगल्स हैं। तो इसे भी हम क्लीन करेंगे, और मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। और नीचे मेरा जितना भी क्रॉकरी सेट वगैरह है उसे मैंने रखा, और नीचे में भी कुछ जो यूज़ की, जो डेली यूज़ की चीज़ें नहीं है उसे मैंने रखा है। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम इसे क्लीन करते हैं। पहले हम इसे खाली कर लेते हैं, उसके बाद इसे मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी कॉलिन वगैरह से, और इसमें अच्छे से पोंछ करके, क्योंकि बारिश वगैरह में होती क्या है, थोड़ा सा कपड़ा वगैरह में थोड़ा सा वो महक आ जाता है ना, वो चीज़ होता है। क्योंकि इसमें कभी कभी ही मैं इसे खोलती हूँ, पर डे तो ये खुलता नहीं है। पर डे बेडशीट हम चेंज करते नहीं है, तो इसे हम क्लीन करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट। पहले हम ये दोनों सेल्फ क्लीन करेंगे, उसके बाद मैं पूरे बैंगल्स को निकालेंगे, क्योंकि एक ही बार अगर मैंने नीचे निकाल लिया तो ये पूरी तरह से मैस हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ ये वाला करूं या फिर ये वाला। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिवाली शॉपिंग वगैरह भी करके रखी हुई है, तो वो मैं आपके साथ दिवाली शॉपिंग हॉल में शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल हम इसे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, टोटल जितने भी मेरे कर्टेंस बेडशीट वगैरह थे वो ऐसे ही इसमें रखे हुए थे, क्योंकि मुझे इसे क्लीन करना ही था, तो मैंने उसे अच्छे से क्लीन नहीं किया था पहले। उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से पूरा खाली करके, उसके बाद कॉलिन वगैरह से पोंछ लेंगे हम इसे, क्योंकि हल्का हल्का इसमें दिवाली की तरह तो डीप क्लीन नहीं हो पाती है। तो इसे अच्छे तरीके से, और इसमें लास्ट में कपड़े वगैरह के बीच में हम फिनाइल का गोली मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं यहाँ पे स्पंज वाइप्स ख़रीदने वाली थी, बट मुझे इसमें मिल गया, ताकि ये बहुत नीचे रखा हुआ था। और यहाँ पे टी लाइट कैंडल्स भी मुझे मिल गए थे। अगर कोई भी सामान आप अच्छे तरीके से रख देते हैं तो फिर वो अच्छे तरीके से ही रखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अंदर थी, मुझे ख़रीदनी थी बट मिल गई थी, अब मैं इसे नहीं ख़रीदूँगी। तो कुछ टेबल मैट्स वगैरह भी थे जो कि नीचे में मैंने रखा था, तो वो सारे मुझे मिल गए थे। तो उसके बाद मैं आपके साथ जब दिवाली शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी तो फिर मैं उसमें आपको दिखाऊँगी। और मैं इसे अच्छे तरीके से क्लीन करके उसके बाद थोड़े देर सूखने के लिए छोड़ देंगे हम इसे। उसके बाद मैं पेपर वगैरह बिछा के, उसके बाद मैं अपने जितने भी बेडशीट हैं, सिंगल बेड या फिर डबल बेड, उसे मैं एक साइड में कर लूँगी। और मैंने दोनों रैक खाली कर लिया था, क्योंकि ऊपर में मेरे इसमें टोटल पिलोज कवर और आपको कुशन कवर्स थे सिर्फ, जो मुझे दिवाली में यूज़ भी करना था, वो भी मैं इसमें एक साइड कर लूँगी। तो पहले मैं इसे अच्छे तरीके से अलग कर लेती हूँ,
जो मुझे डेली कुशन मैं लगाती हूँ वो मैं एक साइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक साइड पिलो कवर कर लूँगी, और कुछ कर्टेंस वगैरह भी थे, वो जो कलरफुल कर्टेंस नहीं आते हैं वो धागा वाला, वो भी था, तो उसे भी मैं अलग कर लूँगी। और मैं आपको दिखाऊँगी दिवाली मेकओवर जब हम करेंगे रूम वगैरह का, तो उसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे कैसे हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जितने भी कॉटन बेडशीट है मैं उसे अलग कर लेती हूँ, क्योंकि अब ठंड आ रहा है तो कॉटन तो अब नहीं बिछेगा। अब वेलवेट वाले बेडशीट मैं बिछाती हूँ, तो इसे मैं साइड कर लेती हूँ क्योंकि वो मुझे डेली काम नहीं थे। और यहाँ पे मुझे एक टेबल मैट मिला था प्लास्टिक वाला, इसे भी मैं किसी तरह यूज़ कर लूँगी कहीं पे। जितने भी सेल्फ वगैरह ऊपर में मैं इसे कटिंग करके अच्छे से लगा लूँगी ताकि वो गंदे नहीं हो ऊपर से। तो तो यहाँ पे ये मेरे पास थ्रेड वाले कर्टन्स 5 कलर में थे, एक ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो और एक कलर था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रही है अभी, तो वो मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी उस वक्त। तो वो सब कर्टन्स भी मैं ऊपर साइड में रख दूंगी। ये सब मुझे दिवाली में फिर यूज़ करना, और उस समय मुझे खोजना ना पड़े इसलिए मैं सारे एक साइड में करके रख दूंगी। और कुछ बेडशीट मेरे बेड के पीछे जो बॉक्स होते हैं ना उसमें मैं रखी हुई थी, और इसमें भी रखी थी। अब इसमें जगह नहीं था इसलिए मैंने बचा हुआ बेडशीट जो मुझे अब यूज़ नहीं करना था मैंने उसमें डाल दिया था। उसके बाद मेरे सारे ये ऊपर वाले सेल्फ्स भर चुके हैं, और मैंने अभी तक न्यू वाले जितने कुशन है वो मैं सेकंड वाले में रख दूंगी ताकि दिवाली में जो मुझे यूज़ करना है वो अच्छे से आगे में मुझे मिल जाए, फिर खोजना नहीं पड़े कहीं भी। तो ये मेरे टोटल न्यू कुशन्स थे, तो मैं इसे नीचे में रख दूंगी, और मुझे जितना भी एक्स्ट्रा जो चीज़ मिलेगा मुझे यूज़ करना है वो मैं आगे में रख लूँगी। तो उसके बाद जितने छोटे वाले कुशन्स थे उसे मैं एक साइड कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसे, क्योंकि इसमें पहले से ही ऐसे ही मैं यूज़ करती थी उसके बाद रख देती थी, बहुत दिनों से मैंने इसे क्लीन नहीं किया था और अच्छे से नहीं किया था। और जब हम यूज़ करते हैं और उसमें से निकालते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो अब ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है, आप देख सकते हैं इसे। और ये मेरे फ्रिज के हैंडल कवर्स थे, हैंडल्स कवर मैं अभी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा इसे रहने नहीं देता है, वो बार बार आता है और निकाल के उसे फेंक देता है,
क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है, तो वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो ये दोनों सेल्फ हमारा हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड वाले सेल्फ्स को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार मैंने कॉलिन से पूछा था सीसा को उसके, तो मैं उसे अच्छे से एक बार क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद हम अपना थर्ड वाला सेल खोलेंगे। अब उसमें जितने भी मेरे बैंगल्स हैं उसे हम क्लीन करेंगे, और उसमें मेरे टोटल्स कुछ शादी वाले भी चूड़ी वगैरह है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा खाली डब्बा भी था, उसे मैं फेंक दूंगी, क्योंकि फिर चूड़ी आता और उसमें से चूड़ी यूज़ हो जाता और फिर डब्बा ऐसे ही रखा रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा कचरा भी हो जाता है उसकी वजह से। तो जितना भी एक्स्ट्रा ये रहेगा मैं उसे कॉर्नर में रख दूंगी, कल कूड़ा वाला आएगा तो मैं उसे दे दूंगी। और यहाँ पे मेरे पास नैपकिन्स थे कुछ, और ये आई थिंक ख़राब हो चुके थे इसलिए मैंने उसे फेंक दिया, वो पूरा टूट के ख़राब हो चुका था और उसमें थोड़ा सा दीमक वगैरह भी लग गया था इसलिए मैंने उसे फेंक दिया, क्योंकि वो हमारे यूज़ तो आता नहीं फिर। तो यहाँ पे मेरे जितने भी 6 पीसेस वाले बैंगल से मैं पहन के इसे देख रही थी कि मुझे हो रहा है कि नहीं, ये मेरा ही था बट एक हाथ में हो गया, दूसरा हाथ में नहीं हुआ, तो मैं उसे बाद में अच्छे से हैंड में क्रीम वगैरह लगा के मैं उसे यूज़ करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी। इसमें मेरे सारे न्यू बैंगल्स थे और ये मेरे शादी वाले थे। इसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था, ये एक बार भींग गया था ऊपर से, अल्मोनियम जो लगा हुआ इसमें रहता है फॉइल, उसके वजह से वो ऊपर का थोड़ा सा ख़राब हो गया था और वो पाउडर फॉर्म में कुछ पूरा गिर रहा था और गंदा भी हो रहा था, तो मैं उसे अच्छे से पहले क्लीन कर दी थी किचन में ले जाके। और ये सब मेरे शादी वाले बैंगल्स हैं, तो ये सब कभी कभी यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मुझे अपना इलेक्ट्रिक मसाजर भी मिल गया था, मैं इसे ढूंढ रही थी बहुत दिन से, ये पीछे में था। तो करवा चौथ का फेशियल वगैरह जो भी करना है मैं उसे मैं आपको दिखाऊंगी करके। मैंने उसे खोल के नहीं देखा कि ये आई थिंक ये इलेक्ट्रिक बैटरी पे काम करता था, ये स्विच वाला नहीं था। तो 6 पीसेस वाले जितने भी मेरे बैंगल्स थे मैं उसे आगे में रखती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार वगैरह जाती हूँ तो यही डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे जितने भी चूड़ी वगैरह थी इसमें भी आई थिंक मैं कहीं गई थी तो इसे ले करके सेट गई थी और वैसे ही ला के रख दी थी, मैंने उसे सरियाया नहीं था अभी, तो मैं इसे अच्छे से अभी ऑर्गेनाइज़ करूँगी पूरा। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे इसमें चूड़ा करके शादी में चढ़ाया था, उन्होंने दिलाया था ये, और इसमें अभी भी चूड़ा ही रखा हुआ है। चूड़ा ये शादी वाली नहीं है, ये मैं वैष्णो देवी गई थी तो वहाँ से लाई थी इसलिए मैंने उसे अभी उसी में करके रखा हुआ है। और ये मेरी चूड़ी स्टैंड है, इसमें से मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, चूड़ी वगैरह मुझे कहीं जाना रहता है तो मैं यूज़ करती हूँ इसमें से। जो मुझे पहनना होता है सेट मैं उसी में से मैं पहन के चली जाती हूँ, इसे निकाल के ढूंढना नहीं पड़ता, कि पूरा खोल के देखना नहीं पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा चूड़ी है। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद मैंने क्रॉकरी सेट को ऊपर कर दिया था, क्योंकि उसे मैंने फिर बीच में वॉश करके पूरे ग्लासेस वगैरह को रख दिया था, वो अच्छे तरीके से सूख गया था, उसके बाद मैंने उसे ऊपर कर दिया था। और मेरे जितने भी बैंगल्स थे वो मैंने उसे नीचे कर दिया था, और क्योंकि उसे मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि मेरा बेटा नीचे में अगर चाबी वगैरह लगा छूट जाता है तो वो उसे खोल करके बदमाशी करने लगता है, तो इसीलिए मैंने उसे ऊपर कर दिया। और मेरे जितने भी बैंगल्स थे मैंने उसे नीचे कर दिया। और ये देखिए मुझे पीछे से आके बार बार परेशान कर रहा था। तो ये सारे मैंने क्लीन कर लिया, और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग गया था,
हर एक को वॉश करना, फिर उसे सुखाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद मैं नीचे वाले सेल्फ में वैसा कुछ ज़रूरी का चीज़ नहीं है, जितना भी मेरा जो यूज़ नहीं होता है वो मैं उसे रखी हुई थी, तो उसे भी मैंने क्लीन कर लिया था। और तकरीबन 2 घंटा लग गया था इसे साफ़ करने में, और सबसे ज़्यादा टाइम लग गया मुझे क्रॉकरी सेट करने में, क्योंकि उसे पूरे तरीके से उसे धोना था और गंदा हो चुका था, क्योंकि पिछले दिवाली में भी मैंने उसे पूरे अच्छे तरीके से अपने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था तो मैं अपने घर चली गई थी। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, और मैं यहाँ पे थक चुकी थी, और मेरा बेटा भी यहाँ बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था, तो इसे भी देखना होता है। ये सोया, जब मैं स्टार्ट की थी तो ये सोया हुआ था और फिर बीच में उठ गया, तो फिर मैं इसे खिला के उसके बाद फिर काम करने लगे थे, इसलिए मुझे और भी टाइम लग गया था। और मुझे ये रिमोट ला के दिया कि ऐड देने लगता है जब तभी से स्किप करने नहीं आता है रिमोट से भी टीवी में, तो वो मुझे बता रहा था, करने के लिए कह रहा था। तो यहाँ पे हो चुका है मेरा सेल्फ क्लीन, और आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसे खोल के दिखा दूँ, इसमें मैंने सिर्फ क्रॉकरी सेट रखा है जो मुझे रेगुलर यूज़ में आती है, और इसमें मेरे बैंगल्स कलेक्शन है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको मेरी बैंगल कलेक्शन देखनी है तो। तो ये था हमारा आज का क्लीनिंग, सिर्फ बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग गया करने में, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को वॉश करना पड़ा, क्योंकि बहुत दिन हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी। तो ये तो मेरा क्लीन हो चुका है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो आप उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ, सो प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लीनिंग के साथ। तो अभी दिवाली आने वाली है, तो अभी तो सिर्फ क्लीनिंग ही चलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।